हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजीव बब्बर सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। राजीव बब्बर ने 1994 में आई मूवी चीता से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, अश्वनी भावे, प्रेम चोपड़ा, शिखा सबरूप और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,85,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,61,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,07,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1995 में डायरेक्टर TLV प्रसाद की मूवी आई जल्लाद। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रामभा, मधु, कादर खान, शक्ति कपूर, सोनू वालिया और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,69,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,61,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1996 में डायरेक्टर TLV प्रसाद की मूवी आई मुकद्दर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, सिमरन, मोहिमी चटर्जी, हेमंत बिरजे और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,39,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,51,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1997 में राजीव बब्बर की डायरेक्ट की हुई मूवी आई शपथ। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, हरीश कुमार, रमिया कृष्णन, करीना ग्रोवर और सलीम घोष शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,95,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,99,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1998 में डायरेक्टर TLV प्रसाद की मूवी आई शेरे हिंदुस्तान। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सांगवी, गुलशन ग्रोवर, हेमंत बिरजे, कसम अली और इंद्र घोसला शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,18,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल डायरेक्टर TLV प्रसाद की एक और मूवी आई चांडाल। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्नेहा, रामी रेड्डी, हेमंत बिरजे, अवतार गिरी और कसर अली शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,58,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल राजीव बब्बर की मूवी आई यमराज। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, मिक सिंह, स्नेहा, अफ्ताब राजा, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,73,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1999 में डायरेक्टर TLV प्रसाद की मूवी आई शेरा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, विनीता, रामी रेड्डी और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,61,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,48,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डायरेक्टर अशोक गायकवाड़ की मूवी आई माँ कसम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मिक सिंह, असरानी, वीरू कृष्णन और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,41,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,39,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2001 में डायरेक्टर राजेंद्र सिप्पी की मूवी आई जहरीला। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, करिश्मा साहा, मधुमिता और ओमपुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 67,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,49,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2005 में राजीव बब्बर की मूवी आई कसक। इस मूवी के स्टोरी और स्क्रीन प्ले राइटर भी थे राजीव बब्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में लकी, अली, मीरा, पुनीत इसरार और मुकेश तिवारी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 85,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,58,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की राजीव बब्बर सर की डायरेक्ट या प्रोड्यूस की हुई आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको राजीव बब्बर सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।